तीसरी टर्किश टी है। वाओ गाइस दिस लुक्स सो स्टनिंग। सर बोट्स इतनी बड़ी बड़ी है कि स्टिल वी आर नॉट एबल टू बिलीव कि ये फ्री राइड्स है। ट्राई बाकलावा विद आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम। माय रेस्टोरेंट सस्ता है, बहुत अच्छा है। अजो हमारे पास Good morning and welcome back to channel everyone. I hope you're doing absolutely fine. So this is day 4 in Turkey. और अगर अब तक के vlogs आपने देखे नहीं है Turkey के इस्तांबुल के तो जरूर देखना because this is nothing but a travel series. You need to watch it in continuation. So आज हमारा बहुत ही exciting day है because we have planned a trip to one of the best islands here in Turkey, Istanbul, and that's nothing but Princess Island. Guys, ये trip हम खुद से plan करने वाले हैं, किसी tour agent का सहारा help नहीं लेने वाले. In fact, yesterday we had gone to one of the tour agents and they were quoting us $25 per person. बट देन वी थॉट कि इस आइलैंड की जो टूर है हम खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही अरेंज करते हैं और खुद ही जाते हैं वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट्स समथिंग बट अ फेरी। सो अभी बहुत शॉर्टली हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है, बट बिफोर दैट वी नीड टू हैव ब्रेकफास्ट। सो गाइस हमने अब तक जितनी भी कंट्रीज विजिट की उधर ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता था 7 o'clock, सो 7 to 9 या 7 to 10, बट हियर इट स्टार्ट्स एट 8:30, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर पीपल आर नॉट गेटिंग अप सो अर्ली। थैंक यू। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है एवरीडे। सो टुडे वी गॉट दिस, यस्टरडे इट वाज एग, एग ऑफ फ्राइडे। दिस इज कॉल्ड शाशुष्का। टाइम हुआ है 9:30 AM इन द मॉर्निंग और वेदर है 10 डिग्री एंड इट शोज फील्स लाइक एज 7 टू 8 डिग्री सेल्सियस। गूगल कबातास से हम लोग को फेरी मिलने वाली है 10 बजे से, नेक्स्ट फेरी अवेलेबल। और कबातास है एक मेट्रो स्टेशन दूर इधर से जो है टोफेन का मेट्रो स्टेशन। और पता है आज अच्छी खासी धूप निकली है, बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ पे धूप निकली है और विटामिन डी मिल रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। पता है हाथ पूरे फ्रीज होते हैं, पता है ऐसे ऐसे कर करके उंगली चलना पड़ता। यूज़ करना इस फेरी के लिए भी और भीड़ देखो कितनी है, क्योंकि अच्छा कि एक्चुअली हमने ट्रैवल एजेंट की हेल्प नहीं ली क्योंकि वो लोग $25 चार्ज कर रहे थे और ये टूर फ्री है, बस खाना इंक्लूडेड था उसमें। वो मैनेज कर लिया, हाँ उसमें खाना इंक्लूडेड। अच्छा। बोट्स इतनी बड़ी बड़ी है कि स्टिल वी आर नॉट एबल टू बिलीव कि ये फ्री राइड्स है। और मुझे तो लग रहा है कि पूरा क्रूज का फीलिंग आने वाला है, इतनी बड़ी क्रूज देते गो वाली देख कितनी बड़ी है। एग्जैक्टली, लुक एट द बोट्स यार, हमारा टर्की ट्रिप में बहुत पैसा बचने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और हम जिस क्रूज से जाने वाले हैं ये है। अभी हालांकि मैं बाहर खड़ा हूँ लेकिन यहाँ पे इस बोट में 3 types के सिटिंग अरेंजमेंट्स है। एक लोअर डेक विच इज वेयर स्वागता इज सिटिंग राइट नाउ विच इज अ क्लोज्ड एरिया, देन एक है अपर डेक विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लोअर डेक जो सिर्फ अपर साइड पे वो भी क्लोज्ड एरिया, और एक है ओपन एरिया विच इज इन द फ्रंट। और 2 sides है जिधर मैं चल रहा हूँ फिलहाल, और दूसरी साइड है ऑन द अदर साइड। तो दिस बोट इज प्रीटी बिग, आई मीन यू कांट कॉल इट अ बोट, इट्स अ मिनी क्रूज। ओके, इट्स नॉट एज बिग एज क्रूज एंड इट्स नॉट एज स्मॉल एज बोट, तो काफ़ी बड़ी है एंड वेरी कंफर्टेबल। और ये हमारी बोट निकल गई एंड दैट इज नथिंग बट अ पुलिस बोट। तो अभी मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ लोअर डेक में जहाँ पे स्वागत आप बैठी है। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू ओपन इट एंड देन गो। चलो अभी हम लोग कर रहे हैं पीछे से एग्जिट। लेट्स एंजॉय दिस व्यू एज वी आर लिविंग द सिटी। वाओ गाइस दिस लुक्स सो स्टनिंग राइट नाउ। छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं ना, बहुत अमेजिंग दिखते हैं। अभी देखो आजू बाजू में पूरा पानी पानी है एंड बीच में है ये ग्रीन आइलैंड। आज क्लाउड्स थोड़े ज़्यादा ही है तो पता नहीं कितना क्लियर आएगा, बट विद द नेकेड आई इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सो अभी गाइस ये है हमारा फर्स्ट आइलैंड विच इज़ कॉल्ड किना लियाडा टर्मिनल। ये एक्चुअली तीसरा आइलैंड है जिधर बोट रुकने वाली है। 2 islands इसके बीच में चले गए लेकिन हमने तो उतरा नहीं है, बहुत लोग नहीं उतरे एक्चुअली, सिर्फ हम ही नहीं। दी स्मॉल आइलैंड्स आर लुकिंग वेरी प्रिटी, आई थिंक होटल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप ठहर भी सकते हो। सो यहाँ पे ऐसे बोट लगेगी एंड देन यू हैव टू गेट डाउन। पता ये आइलैंड भी कोई इंटरेस्टिंग आइलैंड है, बहुत लोग उतर रहे थे। टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, हमें जो जाना है वो व्यू का था विलेज है और उसमें प्रिंसेस आइलैंड इज द लास्ट स्टॉप। आधी बोट खाली होगी है यहाँ पे, एक्चुअली कुछ लोग चढ़े भी हैं। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप जस्ट गेट डाउन कर सकते हो, देन यू कैन रोम अराउंड दिस आइलैंड एंड देन यू कैन गेट बैक इन द नेक्स्ट बोट।
बट नेक्स्ट वर्क कब है वो नहीं पता, उसका टाइमिंग से पर्टिकुलर। हमने एक्चुअली साइड्स चेंज किए, पहले विंडो राइट साइड में थी, अभी लेफ्ट साइड में है, सो वहाँ का नज़ारा बहुत इंजॉय कर लिया, अभी लेफ्ट साइड का नज़ारा इंजॉय करेंगे। अभी हम लोग आए हैं प्रिंसेस आइलैंड में, एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज बियोकोडा, सो दिस इज हाउ द आइलैंड लुक्स एट द बिगिनिंग। वेरी शॉर्टली विल बी गेटिंग डाउन, थोड़ा सा सनलाइट भी है यहाँ पे, बताया मैंने बोट के साइड्स में ही बिताया बिकॉज द व्यू वॉज अमेजिंग, ऑफकोर्स वेदर वॉज वेरी नाइस वेरी प्लेजेंट, और अंदर बैठ के क्या बोरी हो जाते हैं, आई मीन विंडो से वो ही दिखता है बेसिकली, लेकिन बाहर की जो हवा लगती है और फिर व्यू मिलता है ना, दैट इज समथिंग अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट बोट एम्प्टी होने वाली है, चलो आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे रह जाएंगे। कंट्री में कहीं भी जाओ बहुत सारे लोग हैं, अभी तो हम लोग आइलैंड पे हैं लेकिन आइलैंड भी सो क्राउडेड, इज़न्ट इट चौगा था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तरह तरह के लोग देख के। एक्चुअली कि आइलैंड इतना कोल्ड नहीं है जितना सिटी था, इसलिए अभी कितना बजा है 12 बजे शायद, इसलिए देख वेदर क्या, देख अभी 12 डिग्री सेल्सियस है और सिटी में 10 डिग्री सेल्सियस था, बट यहाँ पे फील्स लाइक भी 12 डिग्री आ रहा है, सिटी में फील्स लाइक 7 टू 8 था, यहाँ पे फील्स लाइक 11 है। नहीं चल रहा ऑनेस्ट स्पीकिंग कि यहाँ पे आके करना क्या है, क्योंकि हमने गूगल पे इतना एक्सप्लोर नहीं किया, वी जस्ट वॉकिंग द वे पीपल आर वॉकिंग, बट मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली टेकिंग बाइक एंड प्रोबेबली दे आर टेकिंग अ आइलैंड रूट, सॉरी आइलैंड टूर। पर ये क्या है, ये शायद लेना चाहिए हमें। एक्चुअली पोर्ट के नज़दीक थोड़ा सा सनलाइट है, इसलिए मेरे को लगा कि इधर थोड़ा सा वार्म रहेगा, बट इट्स नॉट द केस एक्चुअली, एज वी मूव इनसाइड ठंडी बढ़ रही है ना। मुझे तो कहाँ भी ठंडी लगी, तो मुझे पूछिए मत कि ठंडी है कि नहीं। So it's getting down now to 10 degrees Celsius. तो अंदर आई थिंक ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे, पता नहीं कैसे जाओ, इधर लाइन है, देख देख देख, ये शायद बस की है। 10:30 PM और लाइन तो बहुत लंबी है, और एक बार ऊपर गए तो पता नहीं कब नीचे आएंगे, सो हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग खा लेंगे कुछ और उसके बाद इस लाइन में खड़े रहेंगे, क्योंकि लाइन में आई थिंक आधा घंटा जाएगा। और बाय द वे इस बस की फ़ी है 26.28 लीरा। रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हैं और मैं इससे थोड़ा सा हिंदी बुलवाऊंगा, ये कैसा है? थैंक यू, माय रेस्टोरेंट सस्ता है, बहुत अच्छा है, और जो हमारे पास हियर वेज चॉप, ये है व्हाट, चिकन चॉप्स और हां चिकन करी, चिकन करी, चिकन नॉट चिकन ना, मटन राइट? नो दिस वन इज चिकन। अच्छा है, स्पाइसी है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे राइस की क्वांटिटी बहुत ही कम मिलती है बट ब्रेड ज़्यादा है, सो ब्रेड से काम चला लेते हम लोग अभी। टेस्ट कर बता कैसे, मुझे लगा ही अच्छा है ना। चिकी तीसरी टर्किश टी है, मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, इधर से लेके जाते हैं टर्किश कॉफी। टर्किश कॉफी फेमस है, ये टर्किश टी है कि कॉफी है? ये टी है, टी है ना, हम लोग टर्किश कॉफी लेके जाते हैं, मस्त है, तेले का दोनों भी लेके जाते हैं। आइलैंड घूमने के लिए 2-3 ऑप्शन है, एक है छोटी टुक टुक जैसी रिक्शा, एक है बस जो हम लेने वाले हैं, और दूसरी है साइकिल। साइकिल आप रेंट पे ले सकते हो आवरली बेसिस पे। ये बस का टिकट है जैसे 26.28 लीरा पर पर्सन, और उतना आपके वो कार्ड में रहना चाहिए, अगर नहीं रहा और अगर एकदम एंड तक गए तो आपको फिर से बैलेंस भर के आना पड़ेगा, सो इससे बेटर है मशीन पे आप बैलेंस चेक करो और उसके बाद इस लाइन में घुस जाओ। कितनी सारी बसेस है, पता नहीं छूट क्यों नहीं रही है, लाइन देखो कितनी बड़ी है। 45 minutes since we have been waiting right now, और अभी एक भी बस आ नहीं रही है, बीच बीच में 2-3 बसेस आ रहे हैं एक साथ, लेकिन अभी एक भी नहीं है। ये पता नहीं यहाँ पे बस क्यों ऐसे खड़ी है, आए फटक से यहाँ पे और हमको लेके जाए तो वो नहीं, कब से वहाँ पे खड़ी है, 45 minutes हो गया। अच्छा हुआ हमने खाना खा लिया, और हाँ आपको बताना भूलिए कि हमारे अभी खाने का बिल हुआ है 200 लीरा, क्योंकि आइलैंड है इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, हालांकि बट 200 लीरा इज नॉट दैट बैड, ओके, आई मीन द क्वांटिटी दैट वी गॉट और कंसीडरिंग दिस आइलैंड। नहीं नहीं नहीं, बट वहाँ पे हमको टर्किश ट्री फ्री दे सकते, यहाँ पे टर्किश ट्री का एक वो छोटे सा ग्लास था वो 20 लीरा का था, और पानी की बोतल वहाँ पे 3-3 यहाँ पे 7 है। फिर भी आई वुड से इट्स एन एक्सपेंसिव कंपेयर, आई मीन विद कंसीडरिंग दैट इट्स आइलैंड।
और कुछ इस तरह से हमारी अभी इधर से राइड स्टार्ट होती है इस आइलैंड की. अभी आई थिंक एक चक्कर पूरा घुमा के लेके आएंगे वापस. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो गाइस अभी एक काम करते हैं, हम और आप एकदम अच्छे से नज़ारे एंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग एंड वेस्टिंग माय टाइम हियर, बिकॉज इवन आई आल्सो वांट टू एंजॉय दिस नज़ारा. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. नाउ आई विल जस्ट टर्न द कैमरा, नॉट कैमरा, इट्स अ गोप्रो, क्योंकि गोप्रो से एंगल भी वाइड आ जाएगा और एकदम अच्छे खासे नज़ारे आपको मिल जाएंगे. बहुत प्यारे प्यारे होटल्स भी हैं और खुद के बंगलोज भी हैं. क्या मज़ा आता रहेगा इधर रहने में. बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है. इनफैक्ट हमारा फर्स्ट अजम्पशन इस आइलैंड के बारे में ऐसा था, क्योंकि हमने तीन चार आइलैंड अब तक देखे हैं, तो हमारा आइलैंड का इंप्रेशन ऐसा था कि बीच एक्टिविटीज़ रहेगा, यू नो पानी रहेगा जिसमें हमको जाना पड़ेगा. तो हम लोग सोच रहे थे कि शूज़ डालें या नहीं डालें, लेकिन इधर आके एक आइलैंड का अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाई दिया. ये आइलैंड पे एक पूरा सिटी बिल्डअप किया, विलेज काइंड ऑफ, और ऐसा लगता है हवा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है. एक सांस में इतना सारा ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है. अभी ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की बस टूर के बाद हम लोग एक वॉकिंग टूर ले रहे हैं. पूरा आइलैंड तो नहीं कवर करेंगे, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बस कोई एक पूरा राउंड मारने में 25 मिनट लगा. और ये छोटे छोटे घर कितने मस्त है यहाँ पे, और अलग अलग कलर के, एक भी घर सेम नहीं है. और बहुत लोगों ने साइकिल ली है एक्चुअली. हाँ यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है, आपने ये बाइसिकल रेंट लेके ना पूरा आइलैंड घूम सकते हो. बताए वाओ, ये घर बहुत ही प्यारा है, मस्त है ना. इधर तेरे पीछे वाला देख, ये भी अच्छा है, लेकिन इसको पेंट बड़ा से नहीं किया है. एक पर्पल ट्री सही है ना. थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग फिर से पोर्ट पे जाएंगे और बोट पकड़ेंगे और वापस. लेकिन इन गलियों में घूमने में जो मज़ा आया है ना, और जो मज़ा आ रहा है, दैट हैज़ नो कंपैरिजन टू एनीथिंग गाइस. दिस इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग ऑलमोस्ट बोट तक पहुंच गए थे, बोट को बोट भी करने वाले थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस आइलैंड को छोड़ने से पहले कुछ टर्किश डेलिकेसीज ट्राई करके जाए. तो हमने ऑर्डर किया है बकलावा विद आइसक्रीम, दैट इज़ अपेरेंटली वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट वी गेट हियर इन डेजर्ट. बकलावा हमने खाया, आइसक्रीम खाया, लेकिन बकलावा विद आइसक्रीम, दैट इज़ व्हाट we are going to be trying this combination as such for the first time. And the restaurant name is Mado. So Dubai mein humne kabab pe kabhi try nahi kiya, lekin yahan pe aake humko try karne wale. Is it a Turkish chain? I don't know. But yahan pe Mado maine bahut jagah dekha hai. बहुत जगह पे मैडम. थैंक यू. ट्राई बकलावा विद आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम. अरे आइसक्रीम बहुत ही हार्ड है यार. बहुत ही हार्ड है. इट्स गुड. नाइस कॉम्बिनेशन. और आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर का है? वैनिला. वैनिला. सो गाइस ये दो पीस बकलावा और दो पीस आइसक्रीम की कॉस्ट है 60 लीरा. जस्ट हमने पता कर लिया बोट स्टेशन की, हमारी नेक्स्ट बोट है 4:30 को, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 आवर. सो लास्ट इससे पहले की बोट थी 3 o'clock को, लेकिन मैडो के चक्कर में बोट छूट गई. अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes टाइम पास करना है इस आइलैंड पे. और तुझे पता है अभी बारिश भी हो रही है, सो बेटर हम लोग एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बैठते कुछ तो हल्का फुल्का ऑर्डर करते हैं, और 1.5 घंटा हम लोग ऐसे ही निकालते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं अभी हमारे पास. एग्जैक्टली. Hello guys, bye bye to this island. Let's fly with these birds. We're returning home. अभी जर्नी तो सेम ही रहेगी, जो मैंने आते वक्त दिखाया वही सेम चीज़ रहेगा. तो मैं थोड़े से ग्लिम्सेस दूंगा ऑन द वे बैक होम. तो अभी हम लोग जाएंगे कबाता मेट्रो स्टेशन, उधर से मेट्रो पकड़ के सीधा टोपानी मेट्रो स्टेशन और उधर से घर पे. तो अभी ये ब्लॉग जब तक आता है तब तक तो अब 3-4 ब्लॉग्स दे चुके रहेंगे. अगर नहीं देखा है तो टर्की सीरीज फिर से देखना, मतलब जो बचे हुए ब्लॉग्स है वो देखना. अब तक 6 ब्लॉग्स आए रहेंगे इस पर, और ये 7वां रहेगा टर्की का, इंक्लूडिंग एमिट सेलिंग. तो सिक्वेंस में देखना और लाइक करना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल देना, बिकॉज वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू फील अबाउट आवर ब्लॉग. आई मीन वी रियली अप्रिशिएट टू नो व्हाट यू फील अबाउट आवर ब्लॉग. पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
सो फाइनली वी आर बैक राइट नाउ गाइज, और देखो अभी भी बहुत लोग चढ़ने वाले हैं। बाय।